प्रिय मतदार बंधुवाने भगिनींनो लक्षात असू द्या, सर इलेक्शन है ना, इलेक्शन स्कूल में। अरे हाँ, अपने स्कूल में शायद सेंटर इलेक्शन है ना। हाँ ना सर। अच्छा, आप लोगों का है वोट? नहीं सर, अभी हमारी उम्र का हुई है। नहीं है तो कब करोगे वोट? सर 18 साल के होंगे ना तब करेंगे। अच्छा, आपके घर में कोई ना कोई तो वोट करता होगा? सर है ना, माँ है, पिताजी है, भाई है, बहन है। वोट करते हैं? कभी करते हैं, कभी नहीं करते सर। क्या क्या मतलब क्या है इसका, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं? समझ में नहीं आया कुछ इसका मतलब। सर काम पर जाते हैं ना तो नहीं करते। मेरे बाबूजी सवेरे ही ट्रैक्टर पे हमारे किले चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है नहीं? सर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या सर? सर इसका बाप पैसे लेता है इलेक्शन में। अच्छा, तेरा बाप बांटता है क्या बे? ए चुप चुप, ऐसे पैसे लेकर किसी को भी वोट नहीं देना है। अजी नहीं, वो जबरदस्ती करते हैं, मैंने देखा है। अच्छा देखिए, कुछ सालों बाद तो आप भी वोट डालोगे, बड़े हो जाओगे, 18 के हो जाओगे तो वोट डालोगे। और हर एक वोट जो होता है वो बहुत कीमती होता है। जाकर कहिए अपने माँ बाप से कि आज अगर वोट बेचोगे तो इज्जत की कहाँ खाओगे, और अगर इज्जत की नहीं खाओगे तो आगे जाकर हमसे नजर कैसे मिलाओगे। जाकर कहिए अपने माँ बाप से कि वोट देना लेकिन इज्जत से देना, बेईमानी से नहीं। हम तो नहीं बेचेंगे सर अपना वोट। बिल्कुल भी अपना वोट नहीं बेचना, कभी भी नहीं बेचना, क्योंकि एक दिन पैसा लोगे लेकिन वो पैसा चलेगा कितने दिन सोचो। हमारे गांव में नहीं सुनता सर कोई, एक पौवा मिला तो खुश हो जाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जिम्मेदार बनोगे तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा। खुद जिम्मेदार बनिए, घर वालों को जिम्मेदारी बताइए। ये जितनी भी बातें हम लोगों ने आज की, ये सभी बातें घर जाकर समझाइए, और कल सभी को इलेक्शन में वोट डालने के लिए जरूर ले जाइए। याद रखिएगा, किसको चुनना है ये आपके हाथों में है। ये केवल इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है आपके उम्मीदवार का। राष्ट्र के निर्माण का एक तू ही दावेदार है, तू चुन सकता है नेता अपना क्योंकि तू मतदार है। जो भी आए बाद नतीजा, तू ही जिम्मेदार है, तू ही जिम्मेदार है क्योंकि तू मतदार है। हुंकार है, अंगार है, एक ऐसा औजार है जिससे बनती और बिगड़ती देश में सरकार है क्योंकि तू मतदार है, क्योंकि तू मतदार है। राष्ट्र के निर्माण का तू ही दावेदार है।